हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन टुडेज इंग्लिश क्लास। टुडे आई शैल बी टीच यू इंग्लिश कुमार भारती स्टैंडर्ड 9 यूनिट 1.2 अ सिनॉप्सिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन। सो व्हाट इज सिनॉप्सिस? सिनॉप्सिस इट मींस समरी। इट इज अ समरी ऑफ नॉवेल द स्विस फैमिली रॉबिन्सन। ओके, दिस नॉवेल द स्विस फैमिली रॉबिन्सन, दिस नॉवेल रिटन बाय जॉन डेविड वेस। So it is a very beautiful story, and lots of films are picturized on this novel, The Swiss Family Robinson. Now I will read this lesson one by one, sentences, and explain it into the Hindi. So listen it carefully. Now I am going to read and explain this one. 1.2 A synopsis, the Swiss family Robinson. So first of all, in one or two, three paragraph, there will be information about the novel and about the story. So understand it, and after that the story will be started. The Swiss Family Robinson is a well-known adventure novel that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. It has also been made into graphic novels and films. तो ये जो story जो है, The Swiss Family Robinson, ये बहुत ही well-known यानी जानी मानी, जानी पहचानी हुई एक adventure novel है। एडवेंचर में जिसमें भी बहुत ही ब्रेवियस्ट बातें की जाती है, चीज़ें की जाती है, तो उसे बोलते हैं एडवेंचर। तो ऐसे एक ये नॉवेल है दैट पीपल ऑफ मेनी कंट्रीज हैव एंजॉयड फॉर मोर देन 200 ईयर्स। तो इस स्टोरी को जो है, इस नॉवेल को जो है, सो बहुत सारे कंट्रीज़ के लोगों ने इंजॉय किया है। 200 ईयर्स से ये स्टोरी चल रही है, अलग अलग साल में अलग अलग तरीके से ये प्रेजेंट की जाती है। जैसे कि नट सम्राट, ये जो है वो पुराने ज़माने में भी मूवी बना था, अभी भी मूवी बना है। ओके, तो उसी तरह के कि ये जो नॉवेल है द स्विस फैमिली रॉबिन्सन, ये भी बनाया गया है। इट हैज़ ऑल्सो बीन मेड इन टू ग्राफिक नॉवेल्स एंड फिल्म्स। तो इस पे जो है वो प्लेज भी बनाए गए हैं और मूवीज भी बनाए गए हैं। द नॉवेल रिटन बाय द स्विस क्लर्क मैन जॉन डेविड वेस इज नॉट जस्ट एन एडवेंचर। तो ये जो नॉवेल जो है वो किसने लिखा है? स्विस क्लर्क मैन जॉन डेविड वेस। तो ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉवेल नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। तो देखो इसमें कौन सी बातें इन्वॉल्व है। इट एम्स एट टीचिंग यंग पीपल वैल्यूज लाइक सेल्फ रिलायंस, डिटर्मिनेशन, लव फॉर योर फैमिली, कोऑपरेशन एंड प्रूडेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें से ये नॉवेल पढ़ने से, ये स्टोरी हम जब भी पढ़ेंगे, तो हमें कौन से एम हमें सीखने को मिलेंगे, कौन से पॉसिबिलिटीज़ है, क्या क्या हम इसे सीखते हैं। तो हम सीखेंगे सेल्फ रिलायंस, ओके, डिटर्मिनेशन, लव फॉर योर फैमिली, कोऑपरेशन एंड प्रूडेंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। यानी खुद को कैसे हम संभालें, हमारे फैमिली को कैसे संभालें, फैमिली को सपोर्ट कैसे करें, एंड प्रूडेंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज मीन्स केयरफुल, जो भी चीज़ें हमारे पास है, जो भी रिसोर्सेस हमारे पास है, उसका ध्यान से केयरफुली प्रूडेंट यूज़ कैसे करें। ओके, सो प्रूडेंट मीन्स केयरफुल। इट ऑल्सो हैज़ गुड लेसन्स रिवेलेंट इन नेचुरल साइंस, गुड हस्बेंड्री एंड इवन मैथमेटिक्स। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यूज़ नहीं सीखने को मिलती है, तो हमें ये भी लेसन मिलते हैं कि नेचर का साइंस, ओके, तो साइंटिफिकली नेचर की तरफ कैसे दिखे, और गुड हस्बेंड्री मीन्स फार्मिंग, हस्बेंड्री मीन्स फार्मिंग। तो जो कुछ बातें फार्मिंग में किए जाती है, उसका भी नॉलेज हमें इस नॉवेल से मिलता है, और हमें मैथमेटिक्स का भी नॉलेज मिलता है, क्योंकि ऐसे भी कुछ बातें इस नॉवेल में वो स्विस फैमिली ने की है कि जिससे हमें मैथ की बातें भी समझ में आती हैं। सम एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल टू स्ट्रेच रियलिटी टू सर्टन एक्सटेंट। यानी इस नॉवेल में कुछ बातें ऐसी खींची गई हुई है कि वो ऐसे लगती है कि वो रियल है, बट वी मस्ट कंसिडर दैट इट इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन।
लेकिन ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी है, ओरिजिनल नहीं है एंड नॉट अ फैक्ट फाइव। गिवन बिलो इज अ सिनॉप्सिस एंड आउटलाइन ऑफ इट्स बेसिक स्टोरी। अब ये जो द स्विस फैमिली रॉबिन्सन, ये जो है ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन है, सिनॉप्सिस है, समरी है, जो भी बेसिक्स बेसिक मेन स्टोरी है उसका। ओके, द स्विस फैमिली रॉबिन्सन मीन्स जो स्विट्जरलैंड की जो एक फैमिली है रॉबिन्सन नाम की, तो उनके बारे में ये स्टोरी है, ये नॉवेल है। सो इसमें कौन से कैरेक्टर हैं? सो इट विल बी इन नेक्स्ट पैराग्राफ। विलियम, एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन हैड बीन ट्रैवलिंग इन अ शिप व्हेन द शिप वॉज कॉट इन अ ग्रेट स्टॉर्म। नाउ द स्टोरी इज बिगिन। नाउ इट्स अ स्टोरी अबाउट रॉबिन्सन फैमिली एंड इन दिस फैमिली विलियम, एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रंस आर इन्वॉल्व। एंड वॉट हैपन्ड विद देम? सो व्हेन विलियम, एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन आर ट्रैवलिंग, वो जब ट्रैवल कर रहे थे, सो शिप इन अ शिप व्हेन द शिप वॉज कॉट इन अ ग्रेट स्टॉर्म, जब साइक्लोन आया था, ओके, बहुत बड़ा जब साइक्लोन आया था, उसमें वो लोग शिप में बैठे हुए ट्रैवल कर रहे थे, और वही उसी वक्त क्या हुआ था, बहुत बड़ा साइक्लोन आया था। द अदर पैसेंजर्स इवैक्यूएटेड विदाउट देम, इवैक्यूएटेड मीन्स मूव आउट। तो बाकी के जो पैसेंजर्स थे वो उनकी फैमिली को, रॉबिन्सन फैमिली को शिप पे ही छोड़ दिए और सब मूव आउट हो गए, चले गए, इवैक्यूएटेड हो गए। विलियम एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग द यंग चिल्ड्रन फ्रिट्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रांस। तो ये चार बच्चे थे उनके, तो विलियम, एलिजाबेथ और उनके चार बच्चे फ्रिज, अर्नेस्ट, जैक, फ्रांस, ये सब खुद को सर्वाइव करने के लिए अब सोचने लगे थे। विदर द ग्रेट स्टॉर्म वेटिंग इन द शिप्स होल्ड, तो वो जो है वो एटमोसफियर कूल डाउन हो जाए, काम डाउन हो जाए, इसके लिए वो राह देख रहे थे शिप में ही। देन द शिप सर्वाइव द नाइट एंड द फैमिली फाउंड देमसेल्स विद इन साइट ऑफ ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड। तो रातों रात में क्या हो गया, वो जो साइक्लोन था, स्टॉर्म था, वो कम हो गया, उनकी शिप जो है वो बच गई। और कहाँ पे वो उन लोगों ने खुद को पाया, साइट टू मीन्स ऐसी जगह पे उन्होंने पाया खुद को, वो जगह क्या थी, अ ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड थी, एक छोटा सा आइलैंड था वो। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग दे डिसाइडेड टू गेट टू द आइलैंड दे कुड सी बियॉन्ड द रिफ। रिफ मीन्स जो सैंड या जो सैंड जस्ट अबव और बिलो द सरफेस ऑफ द सी, यानी ऐसे सैंड का इकट्ठा हो गई थी, यानी उसे हम आइलैंड कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी के ऊपर, थोड़ा सा पानी के अंदर, ऐसा वो थोड़ा एक आइलैंड था, उसे कहते हैं रिफ, इट मीन्स सैंड बॉक्स, सॉरी सैंड बार। विथ वी मच एफर्ट दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल आउट ऑफ डब। तो उन्होंने जो है वो क्या करते हैं, वेसल यानी एक छोटी सी बोट बनाते हैं, लार्ज बोट बनाते हैं, जिसमें सब वो एडजस्ट हो जाए और उससे वो ट्रैवल करने की सोचते हैं। विथ मच एफर्ट दे कंस्ट्रक्ट, बहुत एफर्ट लेने के बाद उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, बनाया, क्या बनाया, अ वेसल आउट ऑफ टब्स, जो टब्स का जो है उसका उन्होंने एक लार्ज बोट बनाई, वेसल बनाई। आफ्टर दे फिल द टब्स विथ फूड एंड एमिनिशंस, एमिनिशंस मीन्स मटेरियल्स। तो वो जो टब्स है उसमें उन्होंने क्या फिलअप किया, सब टब में कुछ ना कुछ मटेरियल फिलअप किया, जो भी उन्हें ज़रूरी था वो सब मटेरियल उन्होंने वो टब्स में इकट्ठा किया। एंड ऑल अदर आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू दे कुड सेफली कैरी, और अदर जो चीज़ें उन्हें ज़रूरी थी वो सेफली वो टब्स में कैरी करते हैं। देन दे रॉड टूवर्ड द आइलैंड, दे उसके बाद क्या होता है, वो रॉड करते हैं मीन्स ट्रैवल बाय रोइंग अ बोट, वो बोट को रॉड करते हैं यानी ट्रैवल करते हैं, वो आइलैंड की तरफ जाते हैं, यानी उनको जो है वो अपनी शिप में से वो आइलैंड दिखता है, वो इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम वो आइलैंड पे जाएंगे, और आइलैंड पे जाने के लिए वो क्या बनाते हैं, टब्स की वेसल्स बनाते हैं। ओके,
दें, उसमें अपना पूरा के पूरा सामान भरते हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है वो खाने की भी हो सकती है और कुछ कंस्ट्रक्शन की भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी हो सकती है वो सब चीज़ें वो उसमें विसल में टब्स में फिलअप करते हैं। दे टू डॉग्स फ्रॉम द शिप नेम टूर्क एंड जूनो स्वैम बिसाइड्स दे। तो उनके साथ साथ जो शिप में दो डॉगी थे, एक का नाम था टर्क और दूसरे का नाम था जूनो, तो वो भी उनके साथ साथ स्विम करते हैं और उनके साथ जाते हैं। द शिप्स कार्गो ऑफ लाइव स्टॉक गन्स एंड पाउडर कारपेंट्री टूल्स बुक्स डिसेम्बल्ड पिनीसी एंड प्रोविजंस एंड ऑल्सो सर्वाइव। तो जो भी चीज़ें उन्हें ज़रूरी होती है वो सब कुछ फिलअप करते हैं अपने टब्स में, अपने वेसल में, अपने लार्ज बोट में। तो क्या क्या होता है, जो भी लाइव स्टॉक मीन्स जो भी डे टू डे लाइफ में जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो लाइव स्टॉक फिलअप करते हैं। देन गन्स एंड पाउडर, गन एंड पाउडर इट मीन्स जो उनके पास गन्स भी होती हैं तो उसके लिए कुछ भी ट्रबल आए तो उसे डिफिट करने के लिए गन्स होते हैं, और कुछ पाउडर यानी लगाने का पाउडर नहीं लेकिन खाना बनाने के लिए जो अवेलेबल पाउडर है वो भी हो सकते हैं, या गन साफ़ करने के लिए, या और कुछ भी पाउडर जो यूज़फुल हो वो सब भी होते हैं। कारपेंट्री टूल्स यानी फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं वो भी होते हैं, कुछ बुक्स होते हैं और कुछ डिसअसेंबल्ड पिनास। पिनास मीन्स छोटे छोटे बोट्स, टेक समथिंग टू प्लेस यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए ये छोटे छोटे पिनासी मीन्स छोटे छोटे बोट्स होते हैं वो भी वो अपने साथ लेते हैं। और प्रोविजंस हैड ऑल्सो सर्वाइव, और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो सर्वाइव करने के लिए लगते हैं वो सब चीज़ें वो अपने साथ लेते हैं। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज विलियम हिज फादर अटैच द फ्लोटेबल ओल्ड केज टू वन अनदर एंड बिल्ड अ बो दैट कर्व अराउंड देम। तो कुछ ही दिनों में वो उसके जो पिताजी है, हेड ऑफ़ द फैमिली है, रॉबिन्सन फैमिली के हेड जो है विलियम, तो वो क्या करते हैं फ्लोटेबल ओल्ड केज वो एक दूसरे को अटैच करते हैं। केज मीन्स छोटे छोटे बैरल जो होते हैं वो एक दूसरे को अटैच करते हैं और एंड बिल्ड अ बो दैट कर्व अराउंड देम, और उनके अराउंड आजू बाजू में एक कर्व तैयार कर देते हैं। ओके, द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड। तो उनकी जो फैमिली है सक्सेसफुली वो आइलैंड के ऊपर जाती है। जैसे बड़े बड़े शिप्स को होते हैं वो कपड़े का कर्व रहता है, वैसे ही वो अपने जो छोटी वेसल बनाई हुई होती है उसे भी वो वैसा कर देते हैं। देन दे सेट अप अ टेंट एंड सॉफ्टन द फ्लोर विथ आर्म लोड ऑफ ग्रास दे कट एंड स्प्रेड टू सर्व एज देयर बेड्स। तो वो जो है वो क्या कर देते हैं, अपने जो टेंट है जो उन्होंने बड़े शिप में से लेके आए थे अपने वेसल में, तो वो सब कुछ टेंट भी लाए थे उन्होंने साथ में, तो वो टेंट है वो सेटअप कर देते हैं, और जो फ्लोर जो होता है जिन्हें जिसके ऊपर वो बैठेंगे सोएंगे तो वो ग्रास से पूरे ज़मीन पे ऐसे फैला देते हैं, सॉफ्टन जो ग्रास है वो अपने आर्म लोड लोड यानी आर्म लोड यानी हम जो जिस पे हम सोते हैं वहाँ पे वो बिछा देते हैं। ओके, दे स्प्रेड टू ओ सर्व एज देयर बेड्स। दे केम टू अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, उसके बाद वो घूमते 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 ग्रोव टी के पास ट्री के पास आते हैं। वन ट्री ग्रू व्हाट लुक लाइक गॉड्स ऑफ इट्स ट्रंक। तो उनके ट्रंक पे उन्हें एक बहुत बड़ा वो जो ट्री है ग्रोव, ग्रोव के ट्री पे जो फल लगता है उसका नाम है गॉड्स, तो वो उसे देखते हैं। तो देखो फादर क्या बोलते हैं, द फादर टोल्ड फ्रीज द गॉड्स वुड मेक एक्सलेंट बाउल्स एंड स्पून्स एंड दे कट देम इनटू वेरियस टेंसेल्स। तो उन्हें वो जो फल दिखता है ग्रोव ट्री का गॉड्स, तो उसे वो लेते हैं और फ्रिज को बोलते हैं विलियम कि देखो इससे तो हम बहुत सारे चीज़ें बना सकते हैं हमारे हाउस होल्ड के, यानी जैसे बर्तन वगैरह है तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, बाउल्स बना सकते हैं। तो वो आइडिया उनके माइंड में आती है उस वो फल को देख के, गॉड्स को देख के, और फिर वो बहुत सारे अनटेंसिल्स यानी बर्तन बहुत सारे वो उससे बनाते हैं।
After some days, Elizabeth informed William that she wanted the family to move to a safer place. तो उनके जो है वो पहले के दिन टेंट बनाओ, बर्तन बनाओ, खाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढो, ऐसे सब कुछ चले जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद एलिजाबेथ जो विलियम की वाइफ है, तो वो विलियम को इन्फॉर्म करती है कि हमें अब जो है ये जो हम जब जहाँ पे रहते हैं वो प्लेस हमारे लिए बहुत सेफ़ नहीं है, तो हमें इससे बेटर प्लेस ढूंढना चाहिए, हमारे हमारी फैमिली अब मूव करनी चाहिए। देयर करंट कैंप वॉज नॉट ओनली एक्सपोज बट ऑल्सो वेरी ड्राई एंड हॉट। तो उनकी जो उन्होंने जो टेंट लगाए थे वो समंदर के एकदम पास लगाए थे, तो उसी वजह से बहुत गर्म भी हो रहा था और ऐसे स्टिकी स्टिकी से अलग ही एटमोसफियर वहाँ पे बन गया था, और जो वो जहाँ पे रहते थे वो एक्सपोज था यानी अनप्रोटेक्टेड था, वो वहाँ पे बहुत प्रोटेक्टिव नहीं थे। इफ़ दे बिल्ड अ हाउस अप इन वन ऑफ द लार्ज ट्रीज दे वुड बी सेफ फ्रॉम जैकल्स। क्यों उनकी फैमिली वहाँ पे सेफ नहीं थी टेंट में? क्योंकि जैकल्स बहुत तकलीफ़ देते थे। ओके, जंगली जैकल्स जो है वो उन्हें तकलीफ़ देते थे, तो वो सोचती है कि अगर हमारा घर एक बड़े से ट्री पे हम बिल्ड करेंगे तो हम जैकल से हमारी छुटकारा हो जाएगी, हम बहुत सेफ हो जाएंगे। शी डिस्क्राइब अ प्रोटेक्ट परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट, वन हुज ट्रंक वॉज नियरली 40 फीट इन डायमीटर। तो वो एक बहुत ही अच्छा ट्री जो है वो सजेस्ट करती है, जिसका जो ट्रंक होता है वो लगभग 40 फीट डायमीटर का होता है, यानी ट्रंक जो है वो बहुत बड़ा होता है, उसके ऊपर घर बांधना ईजी हो सकता है, सेफ हो सकता है, ऐसा वो जो पेड़ है वो डिस्क्राइब करती है, दिखाती है। एट लास्ट ये सब डिसाइड करते हैं कि वो ट्री पे हम क्या करेंगे, हमारा घर जो है हमारा हाउस बिल्डअप करेंगे। द ब्रांचेस वेयर वेरी लॉन्ग एंड एक्सटेंड स्ट्रेट आउट फ्रॉम द ट्रंक, मेकिंग देम परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर अ स्ट्रक्चर। ये जो ट्री होता है 40 फीट डायमीटर वाला, ये बहुत ही परफेक्ट होता है घर बनाने के लिए। उसके जो ब्रांचेस है वो बहुत एक्सटेंड हुए होते हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसे ट्रंक से बहुत दूर दूर के सरहे पे वो फैले हुए होते हैं, इसीलिए वो घर के लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म होता है। ओके, लैटर वेन द डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ द लोएस्ट ब्रांचेस, द फादर टॉट द बॉयज ज्योमेट्री एंड हाउ टू यूज ट्रायंगल्स टू मेजर बिग ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे अब बच्चे तो स्कूल में जाते नहीं हैं, लेकिन उन्हें एजुकेशन मिलना तो ज़रूरी है, तो वो फादर जो है वो उन्हें जो नॉलेज होता है ज्योमेट्री या और कुछ भी, वो यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि किस तरीके से हाइट, लेंथ, डायमीटर और जो भी चीज़ें उन्हें ज़रूरी है घर बनाने के लिए या और कुछ, तो वो सब कुछ मैथमेटिकल चीज़ें वो यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ही मेजर्ड अ डिफाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द टर्न, देन ही कैलकुलेटेड एंगल्स यूजिंग सेवरल मेजर्ड रॉड्स, डिटरमाइनिंग दैट द लोएस्ट ब्रांच वॉज 30 फीट ऑफ द ग्राउंड। तो विलियम जो है वो परफेक्ट मेजरमेंट लेते हैं, दे ट्रंक से ज़मीन से अच्छे से मेजरमेंट लेते हैं, देन अच्छे तरीके से एंगल्स का कैलकुलेशन करते हैं। उन्होंने जो शिप में से जो सामान वगैरह लाया था, कारपेंटरी टूल्स वगैरह, लाइव स्टॉक्स, गन्स, जो भी चीज़ें ज़रूरी है उन सब का यूज़ वो अपने घर बनाने के लिए करते हैं। ओके, देन द मेन नॉट अ रोप और एट सर्टन इंटरवल्स एंड अटैच पीसेस ऑफ बॉम्बू इन ईच नॉट। तो वो जो है विलियम जो है वो क्या करते हैं, रोप लेते हैं, एक रस्सी लेते हैं और रस्सी को बीच बीच में नॉट करते हैं, उसे गठाने मारते हैं, एंड देन उसके बाद वहाँ पे क्या करते हैं वो दस दे क्रिएटेड देयर लैडर, और बीच बीच में वो बाम्बू के जो पीसेस होते हैं वो नॉट में डालते हैं, तो इस तरीके से उनका लैडर बन जाता है। ऊपर नीचे चढ़ने के लिए अब लैडर की ज़रूरत तो होगी ही, है ना। सो फादर रिटर्न टू द बीच एंड कलेक्टेड ड्रिफ्ट वुड, थिंकिंग इट वुड बी परफेक्ट टू बिल्ड अ स्लेज ऑन रनर्स रादर दैन वेसल्स।
उनका शिप में, सॉरी, उनका जो टेंट में है बहुत सारा सामान होता है, उसकी शिफ्टिंग के लिए क्या चाहिए। अब आजकल हमें अगर शिफ्ट करना है, रूम शिफ्ट करनी है, तो हम व्हीकल बुलाते हैं और उसमें लेके जाते हैं। लेकिन वो आइलैंड पे तो ऐसा कुछ नहीं था, तो वो क्या करते हैं, बीच पे जाते हैं और वहाँ पे ड्रिफ्ट वुड, यानी वुड के जो पीसेस पीसेस होते हैं जो समंदर से फ्लो करते हुए आते हैं, पीसेस ऑफ वुड विच आर फ्लोटिंग ऑन द सी, तो वो जो ड्रिफ्ट वुड है वो कलेक्ट करते हैं। ये सोचते हैं कि ये जो ड्रिफ्ट वुड है इसका मैं क्या बनाऊंगा, स्लेज बनाऊंगा, एक व्हीकल बनाऊंगा ऑन रनिंग रादर देन विसल्स। तो इसके ऊपर में हम हमारा सामान रखेंगे और एक जगह से दूसरी जगह तक हम हमारा सामान शिफ्ट करके लेके जाएंगे। लेटर दे यूज इट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। तो इस स्लेज का वो क्या यूज़ करते हैं, उनका जो सामान है, मटेरियल है, वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो यूज़ करते हैं। Meanwhile, Elizabeth announced that the garden she had been tending was producing healthy plants. अब इधर जब फादर अपने बिल्डिंग का, हाउस बिल्डिंग का काम इधर करते रहते हैं, तो उधर जो एलिजाबेथ है वो भी कुछ ना कुछ कर रही है। तो वो क्या अनाउंस करती है कि उसने जो गार्डन बनाया है उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे हेल्दी प्लांट्स उसने लगाए हैं। तो कौन से हैं वो प्लांट्स, कॉर्न, मेलन्स, पम्पकिन एंड कुकुम्बर्स वेयर ऑलरेडी ग्रोइंग। तो वो जो गार्डन उसने बनाया है तो उसमें कौन से हैं, कॉर्न है, मेलन से, पम्पकिन से, कुकुम्बर्स है, ये सब वहाँ पे बढ़ गए हैं, यानी खाने के लिए। वो अब हमारे फैमिली को, उनके फैमिली को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या खाने के लिए लगेगा, वो चीज़ें जितना भी हो सके उतना वो लगाती है। द नेक्स्ट डे ओनली द फादर एंड फ्रिट्ज ट्रैवल टू द वुड्स एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग सच एक्जॉटिक प्लांट्स एज वन विथ वैक्स फ्रूट फ्रॉम विच कैंडल्स कुड बी मेड। तो अगले दिन क्या होता है, फादर यानी विलियम और फ्रिट्स, उनका बेटा फ्रिट्स, तो वो दोनों जंगल में जाते हैं। वुड, वुड्स मीन्स यहाँ पे जंगल, ओके, फॉरेस्ट। तो वो जंगल में जाते हैं किसके लिए, ढूंढने के लिए, और ऐसे कुछ बातें एक्जॉटिक यानी कुछ अलग चीज़ें हमें मिले, प्लांट्स मिले, कि जिससे हम हमारे यूज़फुल हो, वैक्स वैक्स फ्रूट फ्रूट वाले प्लांट्स, या कैंडल बनाने के लिए जो हमें यूज़फुल हो सकते हैं वैक्स फ्रूट। तो वो ढूंढते ढूंढने 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 ढूंढते चले जाते हैं। फ्रिज डिस्कवर्ड अ ट्री एक्सक्लूडिंग रबरी स्रैप। तो वो जो नहीं मिलता वैक्सी फ्रूट वाला, तो ट्री नहीं मिलता जो उन्हें कैंडल के लिए चाहिए था, तो उन्हें क्या मिलता है, एक रबरी स्रैप यानी रबर का एक पौधा मिलता है, ट्री दिखता है, जिससे वो क्या बना सकते हैं, देखो, फ्रॉम विच हिज फादर क्लेम दैट दे कुड मेक बुट्स। तो उनके फादर डिक्लेयर कर देते हैं कि इससे हम क्या बना सकते हैं, बुट्स बना सकते हैं। ओके, थिंकिंग अहेड ऑफ द नेक्स्ट विंटर फादर डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेस सेफ फ्रॉम द एलिमेंट्स, अ स्ट्रॉन्ग स्टोरेज टॉप टू प्रोटेक्ट देमसेल्स एंड देयर बिलोंगिंग्स। तो अब विंटर सीजन आने वाला है, तो फादर डिसाइड करते हैं कि ये जो हमने ट्री पे हमारा घर बिल्डअप किया है तो वो अभी सेफ़ नहीं है, है ना, तो ठंडी के हिसाब से हमें और हमारा प्लेस चेंज करना चाहिए, तो हमें हम सब क्या हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए। फ्रीज केम अप विद द आइडिया ऑफ केव। अब फ्रीज के माइंड में एक आइडिया आती है किसकी, तो केव की। ओके, हम केव बनाएंगे और उसमें रहेंगे कि ज़्यादा हमें ठंड नहीं लगेंगी, हम खुद को सर्वाइव कर पाएंगे। नॉट फाइंडिंग वन दे थॉट ऑफ कार्विंग आउट देयर ओन केव इन द रॉक अबूटिंग देयर कैंपिंग साइट। तो वो सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, केव बनाएंगे, उसे हम खुद अपने हाथों से रॉक में हम उसे कार्विंग करेंगे, उसे छन्नी से वगैरह जो है वो छानेंगे। अबूटिंग मीन्स हैविंग कॉमन बाउंड्री। तो ऐसा हम पत्थर ढूंढेंगे और वहाँ पे हम हमारी केव बनाएंगे, वहाँ पे अब हमारा घर बनाएंगे। ऑन द स्मूथ फेस ऑफ द रॉक फादर मार्क द डायमेंशंस फॉर एन ओपनिंग एंड दे पिक्ड अवे एट द हार्ड सरफेस विद देयर एक्सेस चिसेल्स हार्मर्स एंड सॉल्स। तो उनके पास जो भी इक्विपमेंट थे तो उन सब का यूज़ करके वो केव बनाने निकल पड़ते हैं। ओवर द नेक्स्ट सेवरल डेज द फैमिली कट विंडोज इन द रॉक्स टू अलाउ फॉर क्रॉस करंट्स
ऑफ एयर एंड फॉर सनलाइट टू एंटर द केव। अब कुछ ही दिनों में वो अपने केव को जो है वो विंडोज़ बना देते हैं, ओके, कि जिसमें से एयर जो है वो पास कर सके, है ना, लाइट है वो अंदर आ सके, सनलाइट अंदर आ सके, नहीं तो वहाँ पे तो बहुत घना अंधेरा छा जाएगा, ओके। व्हेन दे हैड फिनिश दे हैड 4 रूम्स। अब जब उन्होंने अपना काम फिनिश कर दिया तो उनके पास अब कितनी रूम्स थी, 4 रूम्स थी, कंप्लीट विद अ फायर प्लेस, ओके। तो वहाँ पे गर्मी के लिए उन्होंने फायर प्लेस भी लगाया था। दे नाउ हैड अ न्यू विंटर होम। अब उनके पास एक नया विंटर होम था, यानी देखो सबसे पहले उन्होंने टेंट बनाया, उसके बाद उन्होंने ट्री के ऊपर ट्री हाउस बनाया, और उसके बाद अब उन्होंने क्या बनाई, केव बनाई, जो उन्हें विंटर के लिए बहुत ही सेफ और अच्छी लग रही थी। बिकॉज ऑफ द लो लाइट द केव हाउस दे हैड बिल्ट फेल्ट ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव मीन्स डिस्ट्रेसिंग। तो लो लाइट आने की वजह से बहुत ज़्यादा सनलाइट वहाँ पे नहीं आ सकता था, सनलाइट तो आ सकता था लेकिन रात में बहुत ज़्यादा अंधेरा छा जाता था, तो वो एक बहुत ही डिस्ट्रेसिंग ऐसा हाउस लग रहा था। तो उनके माइंड में अब देखो क्या आइडिया आती है, टू रेमेडी दिस फादर एंड जैक रैग्ड अप अ न्यू लाइट। अब वो वहाँ पे न्यू लाइट लगाने की सोचते हैं। दे फाउंड अ बाम्बू पोल दैट वुड रीच फ्रॉम द फ्लोर टू द सीलिंग। अब नीचे से ऊपर तक, सीलिंग यानी जो ऊपर का पार्ट होता है, जैसे हम सीलिंग फैन कैसे हम ऊपर लगाते हैं, है ना, तो वैसे ही सीलिंग तक पहुँचे ऐसा वो बाम्बू पोल लेके आते हैं, एक बहुत बड़ा बाम्बू का पोल लेके आते हैं। देन आफ्टर सिक्योरिंग इट जैक क्लाइम्ब टू टू द टॉप ऑफ द पोल एंड हंग अ लार्ज ऑयल लैम्प दैट दे हैड रेस्क्यूड फ्रॉम द शिप। अब उन्होंने जो शिप में से सर्वाइव करके अच्छे से जो लाया था ऑयल का लैम्प, वो वहाँ पे वो हैंग करते हैं, लटका देते हैं, यानी आप पूरे रात भर या थोड़ा कम भी उजाला आए तो दिन भर भी वो ऑयल लैम्प जो है वो वहाँ पे रह सकता है। वन डे दे फाउंड दैट वन ऑफ द फैमिलीज हर्ड्स हैड बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड द कल्टिवेटेड फील्ड्स अराउंड इट हैड बीन ट्रैम्प्ड एंड रुइंड। रुइंड मीन्स पूरा डिस्ट्रॉय हो जाना, तहस नहस हो जाना। तो एक दिन उन्हें दिखता है, रॉबिन्सन फैमिली को दिखता है कि उनका जो पूरा हाउस जो है, पूरा जो उनकी चीज़ें हैं वो इधर उधर तहस नहस करके रखी हुई थी, ओके, पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्हें जो छोटे छोटे ट्रीज वगैरह उनके ज़रूरी जो है वो जो भी लगाए थे वो भी नहीं थे, और सब कुछ क्या हो गया था, रुइंड हो गया था, इधर उधर तहस नहस हो गया था, किसी ने तो भी उसे कुचल डाला था। देयर वेयर ह्यूज फुट मार्क्स एवरीवेयर। तो वहाँ पे जो है वो बड़े बड़े फुट मार्क्स दिखने लगे थे। फादर सॉ मैसिव डैमेज टू ट्रीज एज वेल एज मेनी ह्यूज फुटप्रिंट्स विच ही आइडेंटिफाइड एज बिलोंगिंग टू एन एलिफेंट हर्ड। तो उन्हें ध्यान में आता है कि हमारे जो ट्रीज है सब कुछ है वो सब कुछ तहस नहस करके रख दी है, ट्रैम्पल कर दी है, कुचल डाला है, तो ये सब किसने किया होगा। बड़े बड़े फुटप्रिंट से वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो जंगली एलिफेंट होते हैं उन सब ने किया है, ओके, यानी जंगल में वो रहते हैं, है ना, तो जो एनिमल्स हैं वो तो उन्हें तकलीफ देती होंगे, ये तो नेचुरली है। तो अब हमें देखने को मिलता है कि जो जंगली एलिफेंट है उन्होंने उनका सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। अब इसमें से ही वो रास्ता, इसमें से भी वो रास्ता निकालते हैं, किस तरीके का निकालते हैं देखेंगे अब हम। द नेक्स्ट मॉर्निंग द फैमिली बिगैन टू डिज़ाइन अ न्यू डिफेंस टू डिस्करेज ऑल वाइल्ड एनिमल फ्रॉम एंटरिंग देयर कल्टिवेटेड लैंड्स। अब वो अगले ही सुबह हमारे फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करें, हमारे सारे चीज़ों को, हमारे पेड़ पौधे को कैसे प्रोटेक्ट करें, इसके लिए वो सोचते हैं और उस तरीके से वो अपना प्लान बनाते हैं। दे ऑल्सो फाइनलाइज देयर आइडिया अबाउट द न्यू रेसिडेंस। रेसिडेंस मीन्स रहने का जगह, रहने का ठिकाना, तो उसके बारे में वो अपना प्लान फाइनल कर भी देते हैं। रादर देन बिल्डिंग अ हाउस ऑन स्लिट्स विच द एलिफेंट कुड नॉक डाउन ईजिली, दे वुड यूज 4 स्ट्रॉन्ग ट्रीज ग्रोइंग इन अ स्क्वेयर नियर वन अनदर एज द फाउंडेशन। अब वो फाइनल करते हैं कि हमारा अगला जो घर है वो कैसा रहेगा, तो 4 ट्रीज पैरेलली होंगे,
और उसके ऊपर चार कॉर्नर्स पे हम हमारा घर जो है वो बनाएंगे, यानी एलिफेंट्स को वो गिराना इजी नहीं होगा। भले कितने भी बड़े बड़े एलिफेंट्स हो तो उन्हें उनके बीच में जाना इजी नहीं होगा। ओके, तो हम जो जैकल्स हैं उनसे भी सेफ होंगे, और जो जंगली एलिफेंट्स हैं उनके उनसे भी हम सेफ होंगे। एक ही ट्री में घर रहा तो क्या होगा, एलिफेंट को जो है वो गिराने में बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन चार फोर ट्रीज़ है और उनके बीच में अगर घर बांध रहे हैं, उन चारों ट्रीज़ के ट्रंक का सहारा लेके अगर वो बिल्डअप कर रहे हैं अपना ट्री हाउस, तो एलिफेंट्स को उनके बीच में घुसकर वो घर गिराना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से वो अपना नेक्स्ट प्लान करते हैं। द ट्रीज वेयर ऑफ इक्वल साइज अप्रोक्सीमेटली 12 फीट अपार्ट, दस दे बिल्ड अनदर सेफ होम। तो वो अपने नेक्स्ट रेसिडेंस के बारे में सोचते हैं कि उनके उनकी जो साइज़ है वो इक्वल होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 12 फीट अपार्ट, कम से कम 12 फीट तो भी होनी चाहिए जिसके ऊपर वो अपना घर बिल्डअप करेंगे। तो इस तरीके से वो अपना नेक्स्ट सेफ होम बनाते हैं। नाउ 10 ईयर्स पास्ट एंड द यंग बॉयज़ वेयर नाउ यंग मेन एंड देयर पेरेंट्स वेयर वेरी प्राउड। अब 10 साल गुजरते गए थे ऐसे कुछ ना कुछ एडवेंचरस चीज़ें करते हुए, कुछ ना कुछ ढूंढते हुए, कुछ ना कुछ करते करते उनके 10 साल गुजर गए थे। अब जो छोटे बच्चे थे वो बड़े इंसान बन गए थे, आदमी बन गए थे, और उनके पेरेंट्स को जो है वो अपने बच्चों पे बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आए उसे वो फेस करते थे, सॉल्यूशन निकालते थे और उसके ऊपर वो एक्ट भी करते थे। इसलिए उनके जो पेरेंट्स थे चार बच्चों के वो बहुत ही प्राउड फील करते थे। कॉल द आइलैंड न्यू स्विट्ज़रलैंड, वो उनका जो रेसिडेंस है, उनका जो आइलैंड है उसे वो क्या कहते थे, न्यू स्विट्ज़रलैंड, नया स्विट्ज़रलैंड कहते थे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपना अपनी पूरी दुनिया बसाई थी। मेनी एडवेंचरस ऑकर्ड ओवर द ईयर्स, इतने सालों में उन्होंने बहुत सारे एडवेंचरस चीज़ें की थी, बहुत सारी ब्रेवरी वाली बातें की थी, बहुत सारे बातों को उन्होंने फेस किया था। ओके, तो इसीलिए उनके लिए यही क्या था, बहुत ही बड़ी बड़ा बात था, बहुत बड़ी बात थी, जैसे कि उनका वो न्यू स्विट्ज़रलैंड है, नई दुनिया है। ओके, ऑन द शोर ऑफ अनदर आइलैंड फ्रिट्ज हैड नॉक डाउन एन अल्बेस्ट्रॉस विच वॉज थ्रेटनिंग टू अटैक हिम एंड फाउंड अ रैग टाइड टू द लार्ज बर्ड्स लेग। सो नेक्स्ट व्हाट हैपन, जो फ्रिट्ज जो है वो एक सी शोर यानी सी साइड के पास, बीच के पास गया, तो उसे उसने एक बर्ड को, अल्बेस्ट्रस नाम के बर्ड को उसके ऊपर अटैक किया, तो वो नीचे गिर गया। तो नीचे गिरने के बाद उसके पैर को एक रैग यानी एक मैसेज टाइट करके था, लार्ज बर्ड्स लेग्स, वो जो बड़ा सा बर्ड था उसके लेग को एक मैसेज बंधा हुआ था। वो जब स्काई में से उड़ रहा था तब फ्रिज ने उसे मारने की कोशिश की। ओके, तो वो मरा मरा तो नहीं, वो जिंदा ही था, लेकिन उसके पैर को, वो जख्मी होके जब नीचे गिरता है तो उसके पैर को कुछ तो भी मैसेज टाइट करके था। ऑन द रैग वॉज अ मैसेज दैट एन इंग्लिश वुमेन हैड बीन स्ट्रैंडर्ड ऑन द स्मोकिंग रॉक। सो एक इंग्लिश वुमेन जो है, तो उसका वो मैसेज था, उसने वो मैसेज में लिखा था कि वो कहाँ कहाँ पे है, वो अकेली खड़ी, स्ट्रैंडेड मीन्स लेफ्ट अलोन हेल्पलेस, तो अकेली वो हेल्पलेस वहाँ पे है, और वो सिचुएशन जो उसका एटमॉस्फेयर है, आजू बाजू की जो प्लेस है, वो प्लेस का वो नोटिफिकेशन देती है कि ये स्मोकिंग रॉक में मैं अकेली खड़ी हूँ, बहुत ट्रबल में सफ़र कर रही हूँ। तो स्मोकिंग रॉक नहीं है, तो वोल्केनिक जैसा एक्सप्रेशन आता है। सो फ्रिज हैड नो आइडिया हाउ ओल्ड द मैसेज वॉज, एक्चुअली वो मैसेज कितना पुराना था इसके बारे में फ्रिज को तो कुछ भी पता नहीं था। हिज फादर सजेस्टेड दैट स्मोकिंग रॉक साउंडेड लाइक अ रेफरेंस टू अ वोल्केनो। अब उसे वो स्मोकिंग रॉक की भी कोई आइडिया नहीं थी, तो उसके पिताजी को वो पूछता है कि ये स्मोकिंग रॉक क्या है, तो वो बोलते हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि वो वोल्केनो की तरफ, ये जहाँ पे वोल्केनो हो गया है वहाँ पे स्मोकिंग रॉक होते हैं, यानी रॉक में से धुआं धुआं सा ऐसे निकलता है।
सिंस देयर वेयर नो वोल्केनोज इन द विसिनिटी. विसिनिटी मीन्स क्लोज टू आसपास. ओके, तो यहाँ पे आसपास कोई भी ऐसे वोल्केनो की जगह नहीं है. इट मीन्स द बर्ड माइट हैव कम फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे. तो इस आइलैंड पे वोल्केनो तो कहीं हो नहीं सकता, और आजू बाजू में जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखता. तो ये जो बर्ड आया था अल्बेस्ट्रस, तो ये बहुत मीलों से दूर से, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे, बहुत दूर से ये यहाँ पे आया था. हाउएवर फ्रिस फेल्ट दैट समवन नीडेड हिज हेल्प. फ्रिस को लगने लगा कि इसकी ज़रूरत करनी ही चाहिए, क्योंकि वो अकेली बेचारी है, शायद हो सकते हैं वो वहाँ पे है ना, और उसने बताया भी है कि मैं यहाँ पे अकेली हूँ, कोई भी नहीं है मेरे पास. तो वो सोचता है कि इसकी हेल्प करनी चाहिए. एंड ही वॉज डिटरमाइंड टू डू हिज बेस्ट टू फाइंड द सेंडर. बिफोर रिटर्निंग होम ही हैड रिटन हिज ओन नोट ऑन द रैग, रीटाइड इट टू द अल्बेस्ट्रॉस लेग एंड हैड वॉच द बर्ड फ्लाई ऑफ. तो यहाँ पे फ्रिज जो है वो डिसाइड कर देता है, डिटरमाइन कर देता है, डिसाइड कर देता है कि मैंने उस वो जो कोई भी इंग्लिश वुमन है तो उसकी हेल्प करनी ही है. तो फिर वो अपना रिप्लाई भेजता है वो रैक पे. ओके, और वो रिटाइड कर देता है अल्बेस्ट्रस के लेक पे और उसे वो भेजता है. तो मैसेज में क्या होता है, द नोट टोल्ड हु एवर रिसीव्ड इट डू नॉट डिस्पेयर, हेल्प इज नियर. तो वो मैसेज ऐसा होता है कि आप बिल्कुल पैनिक मत होइए, बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होइए, सैड मत होइए, हेल्प जो है वो आपके पास ही है, जल्द से जल्द आ रही है. फ्रिज देन सक्सेसफुली रेस्क्यूड द यंग वुमेन जेनी मॉन्स्ट्रस. तो फ्रिज जो है वो मॉन्स्ट्रस, जेनी मॉन्स्ट्रस नाम की जो लड़की थी उसे वो सक्सेसफुली क्या करता है, रेस्क्यू कर देता है, छोड़ छोड़ पाता है उसे वो उस डिफ़िकल्ट में से. सो दो शाय एट फर्स्ट, जो जेनी मॉन्स्ट्रस थी वो पहले तो बहुत शर्माती थी उनके उन सब में, क्योंकि वो अननोन पर्सन थे है ना. सुन शी गॉट यूज टू लिविंग विद द रॉबिन्सन फैमिली. उसके बाद वो रॉबिन्सन फैमिली में कुछ दिन गुजरने के बाद यूज्ड हो जाती है, यानी कैजुअल हो जाती है वहाँ पे. उसे आप शर्माहट जो थी पहले शुरू शुरू में उसे होती है वो अब नहीं होती. वन डे दे सॉ अ शिप विच हैड लेड एंकर. तो ये जो स्टोरी है, सिनॉप्सिस है ना, लेसन का नाम ही है, अ सिनॉप्सिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन. था एक्चुअली ये जो नॉवेल है द स्विस फैमिली रॉबिन्सन, ये पूरे 300 पेजेस का एक बहुत बड़ा बुक है. तो ये सिनॉप्सिस है, समराइज है, कुछ स्पेशल बातें बताई है, इसलिए आपको ये पूरी जो स्टोरी है वो अटैच ही नहीं लग रही है. वो एक जगह पे छूट जा रही है, दूसरा ही सीन क्रिएट हो रहा है, दूसरा ही सीन क्रिएट हो रहा है. तो यहाँ पे नेक्स्ट सीन आ रहा है कि एक दिन उन्होंने क्या देखा, विच हैड लेड एंकर. तो वो जो शिप है वो रस्सी से कोई तो भी किसी ने तो भी बांधी है, एक शिप देखी उन्होंने और वो कहाँ पे तो भी बांधी हुई थी. एंड इंकैम्पमेंट हैड बीन सेट अप ऑन वन ऑफ द स्मॉलर आइलैंड. तो वो वहाँ के जो लोग थे वो शिप के ऊपर के, उन्होंने एक इंकैम्पमेंट मीन्स शॉर्ट स्टे, एक छोटा सा स्टे लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी वो शिप जो है वो एंकर करके रखी थी. आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू देयर स्पाई ग्लासेस, फ्रिट्स एंड हिज फादर डिसाइडेड टू अनाउंस देमसेल्स आफ्टर दे हैड रिटर्न होम एंड क्लीन इट अप. सो जब वो अपने स्पाई ग्लासेस में से देखते हैं कि वो लोग कौन है, क्या है, किसके लिए आए हैं, वो उनके पास स्पेक्टेकल्स होते हैं, स्पेशल स्पेक्टेकल्स होते हैं जिसमें से पता चलता है कि दूर का भी अच्छे तरीके से देख पाते हैं. ओके, तो वे उसे ही कहते हैं स्पाई ग्लासेस. तो स्पाई ग्लासेस में से वो चेकआउट करते हैं कि ये कौन लोग हैं, और फ्रिट्स और उसके पापा डिसाइड करते हैं कि रॉबिन्सन फैमिली के बारे में, उनका जो 10-12 साल जो यहाँ पे आइलैंड पे गुजर गए थे उसके बारे में वो लोगों को, वो शिप के लोगों को बताएंगे. आफ्टर दे हैव रिटर्न होम एंड क्लीन इट अप.
तो वो क्या करते हैं, घर पे आते हैं और खुद को क्लीन करते हैं, यानी बहुत दिनों से उनकी शेविंग वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई बड़ी हुई थी, तो वो उसे क्लीन करते हैं। दे डिड नॉट वॉन्ट द क्रू टू थिंक दे वेयर सैवेज, यानी फ्रीज और उनकी फैमिली ऐसे नहीं सोच रहे, ऐसे सोच रहे थे कि वो जो लोग हैं शिप के ऊपर से आए हैं ये इन्हें पूरा के पूरा जंगली समझे। ओके, द नेक्स्ट डे फ्रिट्ज एंड हिज फादर मेट द कैप्टन एंड टोल्ड हीम देयर ओन हिस्ट्री एज वेल एज जेनीज। तो फ्रिज और पूरी रॉबिन्सन फैमिली जो है वो जो अदर साइड से जो लोग आए थे शिप में, तो उन्हें अपनी और जेनी की, वो किस तरीके से ये आइलैंड पे आई जेनी, और रॉबिन्सन फैमिली किस तरीके से इस आइलैंड पे आई, इस सब की वो हिस्ट्री बताता है। टू एवरी वंस सरप्राइज इट हैड बीन जेनीज फादर हु हैड इंस्पायर्ड द कैप्टन्स सर्च। ही बिलीव्ड हिज डॉटर वॉज स्टील अलाइव आफ्टर 3 ईयर्स। द कैप्टन हैड डिसाइडेड टू अटेम्प्ट टू फाइंड हर। अब देखो जेनी जो यहाँ पे आई थी, तो वो एक्चुअली ये जो लोग हैं वो जेनी को ही ढूंढते ढूंढते हुए आए थे, क्योंकि उसके पापा को भरोसा था कि मेरी जो बेटी है 3 सालों के बाद भी वो जिंदा ही होगी। इसलिए जो शिप के ऊपर के जो लोग थे, कैप्टन थे, वो सब सरप्राइज थे, और उनकी जो कामना थी वो सच भी हो गई थी, क्योंकि जेनी सचमुच 3 सालों के बाद जो खोई हुई जेनी थी वो भी अभी भी जिंदा थी। इसलिए वो कैप्टन मोटिवेट हो गए, इंस्पायर हो गए जेनी को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसके पापा को बहुत भरोसा था। और कैप्टन फिर डिसाइड करता है कि क्या करें, जेनी को अब हम ढूंढने गए, और वो पूरे एक से इधर उधर आइलैंड सर्च करते करते हुए जाते हैं, और उन्हें एट लास्ट जेनी मिल भी जाती है। विथ अ बर्स्ट ऑफ सेलिब्रेशन द फैमिली पैसेंजर्स एंड क्रू ऑफ द ब्रिटिश वेसल हेडेड टूवर्ड्स न्यू स्विट्जरलैंड। हेडेड टूवर्ड्स मीन्स मूव आउट। वो अब क्या हो गए, उन सब ने, शिप के ऊपर के कैप्टन्स ने और बाकी क्रू ने, क्रू मीन्स शिप के ऊपर जो कैप्टन के साथ बाकी काम करने वाले जो थे, वो सब लोग क्या करते हैं, छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं, और फैमिली पैसेंजर जो है वो आप स्विट्जरलैंड की तरफ हेडेड होते हैं, यानी निकलते हैं। एवरीवन वाज अमेज्ड बाय द प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ ऑफ सर्वाइवर्स। तो सब लोग जो है वो बहुत ही सरप्राइज थे कि इतने सालों के बाद ये आइलैंड पे सभी लोग बहुत ही हेल्दी वेल्दी रह रहे थे, और बहुत ही खुशी से रह रहे थे इन सब चीज़ों के लिए। एज द डे एंडेड द फादर रियलाइज दैट डिसीजन मस्ट बी मेड अबाउट हु वॉन्टेड टू स्टे ऑन द आईलैंड और रिटर्न विद द शिप। अब शिप पे जो कैप्टन वगैरह थे वो ऑफर करते हैं कि वापस स्विट्जरलैंड चलिए, लेकिन अब सब बातें यहाँ पे नहीं दी हुई है, कुछ बातें कट कर दी है। तो ये सब होने के बाद फादर डिसाइड करते हैं कि अब सब बड़े हो गए थे, है ना, बच्चे भी बड़े हो गए थे, तो सब लोग अपना अपना डिसीजन खुद ही लेंगे, ऐसा उसके फादर जो है यानी विलियम जो है वो डिसाइड करते हैं। एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड डिड नॉट विश टू लिव एनीवेयर बट ऑन द आइलैंड। दे हैड बीन देयर फॉर सो लॉन्ग एंड हैड ग्रोन यूज टू देयर लाइफ। अब विलियम और उसकी वाइफ कौन, एलिजाबेथ, तो दोनों यहाँ पे बहुत खुश थे आइलैंड पे, और वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहते। देन जेनी आस्क इफ एनीवन वुड सपोर्ट हर रिटर्न टू इंग्लैंड। तो जेनी भी सोचती है कि किसी को पूछूं कि यहाँ से कोई इंग्लैंड चलने वाला है क्या। फ्रिज वॉज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड। अब यहाँ पे फ्रिज जो है वो रिस्पॉन्ड देता है, यानी वो अपना पॉजिटिव आंसर देता है कि हाँ मैं इंग्लैंड आने के लिए तैयार हूँ। ही ऑफर्ड चीयर्स फॉर अस हु वेयर गोइंग टू यूरोप। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वॉन्टेड टू स्टे ऑन द आईलैंड। लेकिन अर्नेस्ट जो है वो अपने मम्मी पापा के साथ वहीं पे आइलैंड पे ही रहने की सोच विचार करता है। देन जैक ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टे बैक, और जैक भी वही सोचता है कि वो वहीं पे रहेगा। फ्रांस द यंगेस्ट बॉय डिसाइडेड टू ज्वाइन फ्रीज टू लिविंग।
फ्रांस जो है सबसे छोटा होता है वो, तो वो भी सोचता है कि वो क्या करे, किसे अब ज्वाइन हो जाए, फ्रिस्को, यानी वो भी जाने की सोचता है इंग्लैंड को। फ्रांस वांटेड अ चांस टू रिसीव एन एकेडमिक एजुकेशन, क्योंकि फ्रांस जो है वो एकेडमिक एजुकेशन लेना चाहता था, क्योंकि वो छोटा था है ना, तो वो कुछ और नया अलग से कुछ तो भी करना चाहता था। तो फ्रांस चाहता था कि मैं प्रॉपर एजुकेशन लूँ। बिफोर फ्रिस लेफ्ट, अब ये सब शिप जाने के पहले फ्रिज जो है वो कुछ तो भी अनाउंस करता है। तो क्या अनाउंस करता है, ही टोल्ड हिज पेरेंट्स ऑफ हिज लव फॉर जेनी एंड हिज विश टू मैरी हर। तो वो फ्रिज जो है वो जेनी से प्यार करता है और उससे शादी करेगा, ऐसे वो अपने पेरेंट्स को बताता है। द फादर हैड केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एडवेंचर्स दे हैड हैड ऑन द आइलैंड। अब फादर जो है विलियम, उनके पास सभी, उन्होंने जो भी एडवेंचरस चीज़ें की, जो भी ब्रेवरी की चीज़ें की है वो आइलैंड पे, उन सब का रिकॉर्ड उन्होंने अपने पास रखा था। जैसे कि ऑफिशियली सब कुछ चीज़ों का रिकॉर्ड हमारे ऑफिस में होता है, स्कूल में होता है, हमें भी हमारे ऑफिशियल कुछ डॉक्यूमेंट संभाल के रखने पड़ते हैं, तो विलियम ने भी उसी तरीके का बहुत सारी चीज़ें संभाल के रखी थी। जो भी उन्होंने एडवेंचरस बातें की थी वो सब की, ही हैंडेड ओवर द जर्नल्स टू द कैप्टन टू पब्लिश्ड। अब उन्होंने जो इतनी सारी एडवेंचरस बातें की, तो उससे बाकी के लोग इंस्पायर हो जाए, यानी ऐसी अगर मुश्किल आए तो डरना नहीं है, कैसे उसे डिफिट करे, कैसे उसे फेस करे, कैसे सफ़र करे, ये सब का बाकी लोगों को इंस्पिरेशन मिले, इसलिए वो क्या करते हैं, वो जो अपना रिकॉर्ड है वो हैंडेड ओवर कर देते हैं, यानी जो कैप्टन है उनके हाथ दे देते हैं कि इसे क्या कीजिए, पब्लिश कीजिए। देन द शिप डिपार्टेड। अब उसके बाद शिप जो है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो इस तरीके की ये रॉबिन्सन फैमिली की बहुत ही एडवेंचरस स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है, कि हमारे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आए तो वी हैव टू फेस ऑल दिस प्रॉब्लम्स, एंड ईच एंड एवरी प्रॉब्लम हैव देयर सोल्यूशन ऑल्सो, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड बी पेशेंट फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। सो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस ब्यूटिफुल स्टोरी एंड ऑल दिस मॉरलिटिक थाट्स। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लिसन, केयर, रीड एंड टेक केयर ऑफ यू।